एनर्जी के अंदर इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क. जब से आप अभी पांचवी छठी क्लास के बच्चे को पकड़ लें, तेरे साइंस में क्या है, वो बोलेगा एक है फोर्स, एक है एनर्जी. तो पांचवी क्लास से स्टार्ट हो जाती है व्हाट इज एनर्जी, या छठी क्लास से. पर वो ना बहुत एक पेज का चैप्टर, विंड, विंड की एनर्जी, तो वो विंड मिल लगा के दिखाते हैं, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, बट टाइप ऑफ एनर्जी, पेपर हो गया, डन, साइंस बढ़िया चल रही है. ऐसे होता है और क्या होता है. फिर थोड़े सिक्स सेवन्थ में होते हैं तो और एनर्जी को पढ़ते हैं, फिर नाइन्थ में होते हैं और एनर्जी को पढ़ते हैं, MGH, काइनेमेटिक्स भी पढ़ते हैं, टेंथ में होते हैं और एनर्जी को पढ़ते हैं. पर अभी तक बात यही समझ में आती है, एनर्जी दो टाइप की है, एक पोटेंशियल है और एक काइनेटिक है, ऐसे पढ़ते हैं, जबकि ऐसा है नहीं. तो अगर आप सिक्स क्लास से लेके अभी तक की बात करें तो एक्चुअल में एनर्जी, अब मैं लास्ट, ये लास्ट क्लास, इसके बाद कोई टीचर एनर्जी को डिफाइन नहीं करेगा, बस मैं लास्ट हूँ, उसके बाद आप एनर्जी को छोड़ देंगे. तो अगले दो साल में एनर्जी को ऐसे डिफाइन किया जाएगा, या ऐसा बोलें कि जितना भी आपने अभी तक पढ़ा और आज जो पढ़ेंगे अगले दो साल, उसमें ओवरऑल एनर्जी दो ही टाइप की होती है बस, एक मैकेनिकल और एक नॉन मैकेनिकल. बस मैकेनिकल में दो ही एनर्जीज आती हैं, पोटेंशियल एंड काइनेटिक. और पोटेंशियल की भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, दो टाइप की पोटेंशियल होती हैं, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से, और एक स्प्रिंग एनर्जी इलास्टिसिटी की वजह से, और काइनेटिक तो पता ही है मोशन की वजह से. इसके अलावा जितनी भी एनर्जीज हैं वो सारी की सारी नॉन मैकेनिकल है, जैसे साउंड, लाइट, विंड, ए बी, जो दुनिया भर की एनर्जीज हैं वो इसमें, इसके खाते में डाल दो, बस इसमें मैकेनिकल में दो ही हैं. ठीक हो गया यहाँ तक. अब दूसरा पॉइंट, इसके क्या हम सिर्फ मैकेनिकल ही पढ़ते हैं, नॉन मैकेनिकल हम पढ़ते हैं, नॉन मैकेनिकल. प्लस वन के अंदर एंड ऑफ द मंथ पूरे 20 दिन आपको पढ़ाया जाएगा साउंड, साउंड का एक चैप्टर आएगा जो 20 दिन चलेगा. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो साउंड वेव्स करके चैप्टर आता है. प्लस टू के अंदर डेढ़ महीने का कोर्स है ऑप्टिक्स, लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो लाइट को प्लस टू में स्टडी किया जाएगा. तो ये प्लस टू का खाता चला गया, ये प्लस वन का हो गया, ये भी प्लस वन का हो गया. तो यानी कि पूरा कोर्स अगर मैं देखूं, एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, चार्जेस की फॉर्म में एनर्जी, वो भी पोटेंशियल एनर्जी कैटेगरी में आती है, तो वो भी पढ़ाई जाती है प्लस टू के अंदर. तो देखा जाए तो मेरी बातों से पता लग रहा होगा दो ही चीज़ें चलती हैं पूरी फिजिक्स में, या फोर्स या एनर्जी. बस एक्चुअल में फिजिक्स है ही दो चीज़ों की बनी हुई, तो कभी फोर्स आ जाएगी, कभी एनर्जी, कभी फोर्स, कभी एनर्जी. तो अभी हमने अपना काम आज तक पिछले दो महीने का अगर आप देखो फोर्सेस की हेल्प से किया, अब हम किसकी हेल्प से करेंगे, एनर्जी की हेल्प से, वही न्यूमेरिकल्स को करेंगे, क्योंकि जहां फोर्स है वहां एनर्जी का वर्क डन भी है, तो दोनों पैरेलल चलती हैं चीजें. तो हम एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी की क्लासिफिकेशन क्लियर है यहां तक. अब अगर आप बात करते हो पोटेंशियल एनर्जी, स्पेशली ओनली पोटेंशियल एनर्जी, देखो किताबें बहुत लिखती हैं, किताबों के अंदर अलग अलग किस्म की डेफिनेशंस हैं पोटेंशियल एनर्जी को लेके. मैं पोटेंशियल को कैसे देखता हूँ वो बता देता हूँ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम को मैं ऐसे देखता हूँ कि अगर हम नेचर के अगेंस्ट काम करें, अगेंस्ट नेचर, नेचर आपको पता है नेचर क्या है, कोई भी नेचर के साथ छेड़छाड़ करें तो नेचर का अफेक्ट तो आएगा, वो उल्टा काम तो करेगी, है ना. आप उल्टा काम करेंगे तो नेचर आपको आंसर तो देगी, बस वही पोटेंशियल एनर्जी है. मैं आपको दिखाता हूँ कैसे. सपोज करो आप मेडिकल नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, पहला एग्जांपल, और मैंने इसे कहा कि चल यार एक काम करते हैं अपन ना, कोई उसमें फाइन आर्ट्स की क्लास तूने ज्वाइन करनी है और आज शाम को 7:30 क्लास है. वो कहता सर मेरे को करनी नहीं है. मैंने कहा नहीं यार वो नहीं करनी, होम साइंस करते हैं हम, खाना बनाना सीखेंगे. वो कहा भाई मेरे को नहीं सीखना. देखो उसके नेचर में नहीं है वो चीज़, वो कह रहा है कि मेरी नेचर में नहीं, मैं इसी में ठीक हूँ, मेरे को नहीं करना. पर नहीं, मैं नहीं हटा, मैंने 7 बजे इसको घर नहीं जाने दिया और एक स्पेशल टीचर बुला के यहीं तेरी क्लास होगी जबरदस्ती. देखो एक दिन तो लगा लेगा, दूसरे दिन भी लगा लेगा, तीसरे दिन रिवोल्ट पे उतर आएगा, या मेरे साथ या घर वालों के साथ. क्या कहेगा कि बस कसम खा ली, या तो क्लास बंद कराओ या मैं जाऊंगा नहीं. देखो इस मैंने इसके ऊपर वर्क डन किया, मैंने काम किया इसके ऊपर, हालांकि पर उल्टा काम हो गया. इसमें क्या भर गई, एनर्जी. मेरा ही किया हुआ वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में बाहर आ रहा है, तो गलत हो गया, इसकी नेचर अगेंस्ट काम हो गया. अच्छा स्प्रिंग ले लेते हैं. स्प्रिंग चाहता है मैं आराम से रिलैक्स करूं, हालांकि स्प्रिंग चाहे तो कंप्रेस एक्सपैंड हो सकता है, आराम से रेस्ट करना चाहता है अपनी अनएक्सपेंडेड पोजीशन पे. पर आप नहीं हटे, आपने उसको जबरदस्ती खींच दिया, उसकी इलास्टिसिटी को यूज किया. वो कहता है मत खींचो, तो आपने खींचने के लिए क्या किया, वर्क डन.
अब छोड़ो, आपके हाथ पे आके लगेगा स्प्रिंग, क्यों? क्योंकि उसमें क्या भर गई? एनर्जी। भरने को फिजिक्स में बोलते हैं, योर वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्टोरेज को बोलते हैं। पत्थर चाहता है वो आराम से धरती पे बैठे, अर्थ पे बैठे, आराम करे, पर आप नहीं हटे, आपने उसको ऊपर छत पे रख दिया। एक ईंट को छत पे रखोगे तो वर्क डन तो करोगे ही ना, उसको उठाने का जान तो लगेगी आपकी, तो आपने वर्क डन करके छत पे रख दिया। अब छत से उसको घेर दिया तो देखो वो अपने आप नीचे गिरा, और नीचे जब किसी के सर पे गिरा तो उस पर चोट भी लगी, क्योंकि आपकी आपका जो वर्क डन था वो उसमें भर गया, स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जब आपने ईंट को छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी बाहर आई इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन गया पोटेंशियल में, पोटेंशियल आई काइनेटिक में, तो कैसे एनर्जी का चेंज हो रही है देख रहे हो। तो कोई भी नेचर के अगेंस्ट काम कर लो, दो चार्जेस हैं, ये प्लस प्लस चार्जेस हैं, ये इकट्ठे नहीं बैठ सकते, पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इकट्ठे बैठ, पर मैंने इनको जबरदस्ती इकट्ठे बिठाना है, खुद तो आएंगे नहीं, तो मैंने पकड़ा इन्हें और इकट्ठे ले आया प्लस प्लस, हम प्लस टू में पढ़ाते हैं ये चीज। तो जब प्लस प्लस इकट्ठे आए, जब तक तो मैं वर्क, देखो ये करने के लिए वर्क डन करना पड़ा मुझे, मैंने काम किया, तो जब मैंने वर्क डन किया तो उस केस में क्या हुआ, मेरा वर्क डन स्टोर हो गया इनमें इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे ही छोड़ा फिर रिपल्शन के चक्कर में दूर भाग गए, एनर्जी थी ना, दूर भाग गए, नहीं है इनकी नेचर भी नहीं इकट्ठा होना तो ये दूर भागेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? आप कोई एग्जांपल ले लो एनर्जी का, यही नेचर का लॉ है। आप पानी ऊपर से नीचे गिरता है बाय नेचर, फ्रॉम हायर हाइट टू लोअर हाइट। आप जबरदस्ती अगर आप ऊपर टैंक भरना चाहते हैं, आपको मोटर लगानी पड़ेगी, अपने आप नहीं चढ़ सकता पानी भी, या बाल्टी भरो और टैंक भर के आओ, आपको वर्क डन करना पड़ेगा। मोटर वर्क डन करती है अगेंस्ट नेचर ताकि आपका पानी नीचे से ऊपर जा सके। तो आप एनर्जी स्टोर कर रहे हैं पोटेंशियल उसमें, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है कि कोई मर्जी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ले लेना, बहुत टेढ़ी मेढ़ी लिखी होती है, असल में बात यही है, नेचर के अगेंस्ट वर्क डन है तो उसमें वर्क डन करना पड़ेगा और एनर्जी स्टोर हो ही जानी है उसमें, ठीक है यहाँ तक? तो नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है? तो इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी से पहले हम स्टार्ट करेंगे, और काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या है, मोशन की वजह से, कोई बॉडी मोशन में है तो उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ये इंट्रोडक्शन टू एनर्जी है।